हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक झटपट बनाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी धनिया फिश करी और कोरिएंडर फिश करी। यहाँ पे रोहू फिश है, मैंने 4 पीस लिया है। इसके अलावा यहाँ पे धनिया पत्ता, जिसको मैंने साफ करके धो करके रखा है। तीन तीखे वाले मिर्ची हैं यहाँ पे, एक सूखी लाल मिर्च, अदरक लहसुन, हल्दी, चीनी, कलौंजी और नमक। बस इन्हीं कुछ चीज़ों से ये बन जाता है। फिश को फ्राई करने के लिए हल्दी नमक लगा लिया है मैंने, और पहले मैं धनिया पत्ता और इन्हीं जो मिर्ची अदरक लहसुन है, इसको अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर में। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि बहुत सूखा है इसीलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। अभी फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश की जो सारी रेसिपी है, ये ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही किया जाता है, क्योंकि इससे फिश का जो स्वाद है वो अच्छे से आता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में ही इसको फ्राई किया जाए, या फिर कुछ भी फिश की रेसिपी हो, ये मस्टर्ड ऑयल में ही हो। यहाँ पे फिश फ्राई हो चुके हैं। सेम तेल में मैं कलौंजी और जो सूखी लाल मिर्च थी वो डाल दूंगी। ये थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मिक्सचर में मैंने पेस्ट किया था वो ऐड करूँगी, तो ये छीटेगा नहीं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं नमक यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने नमक पहले भी ऐड किया हुआ है। अभी जो मिक्सचर में जो बाकी जो मसाले थे, उसे पानी डाल के उस पानी को मैंने ऐड किया है। मसाला सूख गए हैं। इसी स्टेज में मैं ग्रेवी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए, तो मैंने इसीलिए 1/2 कप के करीब ही पानी ऐड किया है। थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा ही नमक, बस इसे अच्छे से मिला के ढक के रख देंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, तो अभी जो फिश है फ्राई किए हुए वो देंगे। बस रेडी है धनिया फिश करी और कोरिएंडर फिश करी। इसे राइस के साथ खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।